पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी ने आज एक बार फिर भाजपा को जूते और कपड़े पर घेर लिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव पास आ रहा है और भाजपा जनता की जेब पर भार डालकर जनता से वसूली करना चाहती है और आगामी चुनाव में प्रचार प्रसार करने में उसे लगाना चाहती है। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए सपाइयों ने कहा कि भाजपा सरकार ने आम आदमी की मूलभूत सुविधा जूते और कपड़े पर जीएसटी बढ़ाकर 12% कर दिया है। सपा नेताओं ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगी। और आज ये प्रदेशव्यापी कार्यक्रम माननीय संजय गर्ग जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चल रहा है। जिला महानगर सभी इकाइयाँ हमारी जो 5% से 12% जीएसटी जूतों पर और कपड़ों पर इन्होंने बढ़ा दिया है, जो कि एक तरह से मानवता की खिलाफ बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अति आवश्यक आवश्यकता में कपड़े और जूते आते हैं, इन्होंने उन्हें भी नहीं छोड़ा। तो ये गवर्नमेंट जो अच्छे दिनों की बात कर रही है, तो बिल्कुल देश को ख़त्म करने की प्रोग्राम बना लिया है इन्होंने। और मैं तो ये कह सकता हूँ हर नीति इनकी अच्छे दिनों की जगह देश को बेचने की है। हर डिपार्टमेंट इवन बैंक बेच रहे हैं। तो आज हम ये जो विरोध प्रदर्शन है वो उसका मूल कारण है कि 5 से 12% जो टैक्स इन्होंने करा है वो बिल्कुल समाप्त होना चाहिए और कोई इन आवश्यक चीज़ों पर टैक्स नहीं होना चाहिए, जिसमें ईंटें भी शामिल हैं। ईंटों से आदमी अपना मकान बनाता है, भट्टे वाले सारे परेशान हैं, ये कच्चा उद्योग है, उस पर भी 12% इन्होंने लगा दिया, तो ये तो हद हो गई बहुत ज़्यादा। इसके विरोध में हमारी व्यापार सभा की महानगर जिला इकाई हम मुरवा शहर में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं और समाजवादी व्यापार सभा ये मांग करती है इसे तत्काल बिल्कुल समाप्त किया जाए टैक्स को। इन्होंने 5% जो जूते चप्पल और कपड़ों पर और ईंटों पर टैक्स था कायदे में, तो वो भी नहीं होना चाहिए, पहले नहीं था। जब से इनकी सरकार आई है मोदी जी की, जब ही से इनकी नज़र पड़ी कि इन पर भी टैक्स लगाओ, अब इन्होंने वो 5 से हटा के वो स्लेब 12% का कर दिया है। 12% से 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा, जो कि ये काला कानून इतना घातक है व्यापारियों के लिए, क्योंकि जूते चप्पल फड़ पे भी बिकते हैं, ठेलों पे भी बिकते हैं, शोरूम में भी बिकते हैं, हर जगह बिकते हैं। वो एक आवश्यक आवश्यकता में आती है, कपड़ा आवश्यक आवश्यकता में आता है। आज हमारे माननीय सहारनपुर विधायक उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय गर्ग जी के आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। भारत सरकार ने आज जो है जो वस्त्र पर, चप्पल पर, जूते पर, ईंट पर 5% जीएसटी थी, वो आज बढ़ा करके 12% का नोटिफिकेशन दे दिया है, जो सरासर गरीब जनता के विरोध में है। इससे गरीब जनता और गरीब हो जाएगी और मालदार लोग और मालदार हो जाएंगे। ये सरासर निर्णय ब्रांडेड वस्त्रों के लिए, ब्रांडेड कपड़ों के लिए लिया गया है, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए चप्पल और वस्त्र ना बिकें, गरीब को ब्रांडेड कपड़े पहनने पे मजबूर हो जाएं, उनकी जेब खाली हो जाए। इसकी सरकार की मानसिकता सीधी सीधी दिख रही है कि गरीबों को बुरा हाल करने पे तुली हुई है। जो नोटबंदी के कारण और जो है जीएसटी लागू होने के कारण पैर ही व्यापारी की कमर टूट चुकी है। व्यापारी बहुत ही परेशान है, व्यापार प्रतिष्ठान बंद हो गए हैं, व्यापारियों सड़क पर आ गए हैं। आज बुरा हाल है और एक चोट इस सरकार ने और दे दी है। ये हम इसका विरोध करते हैं कि ये जीएसटी वस्त्रों पर, चप्पलों पर, जूतों पर, ईंटों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर बिल्कुल समाप्त की जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।